दोस्तों रसलमेनिया 41 को लेकर बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, जिसे सुनकर आप लोग ज़रूर कमेंट करोगे, मतलब आपका मन करेगा कमेंट करने का। तो वीडियो एंड तक देखना एंड अभी से कमेंट करना शुरू कर दो, बिकॉज रसलमेनिया 41 की नाइट 1 एंड नाइट 2 के जो दो मेन इवेंट होने वाले हैं उसको WWE ने प्लान कर लिया है। जी हां दोस्तों, अभी से WWE ने सेटल कर दिया है कि रसलमेनिया 41 की नाइट 1 में एंड नाइट 2 में कौन कौन सा मैच मेन इवेंट में होने वाला है। तो फिलहाल सेथ रोलिंस को लेकर अपडेट ये है कि सेथ रोलिंस समर स्लेम के बाद अपना हील टर्न लेने वाले हैं। जी हां दोस्तों, सेथ फ्रीकिन रोलिंस बहुत जल्द अपना हील टर्न लेंगे एंड उसके बाद रसलमेनिया 41 से पहले वो CM Punk के साथ अपनी फ्यूड करेंगे, जो कि लास्ट ईयर मिस हो गई थी रसलमेनिया के लिए बिकॉज ऑफ CM Punk इंजरी। तो हाँ दोस्तों, अब CM Punk एंड सेथ रोलिंस का मैच होने वाला है रसलमेनिया 41 के मेन इवेंट में। एंड दोस्तों रसलमेनिया की नाइट 2 के लिए ये प्लान किया गया है कि कोडी रूड्स अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे अगेंस्ट रोमन रेंग्स एंड द रोक। जी हाँ दोस्तों, ट्रिपल थ्रेट चैंपियनशिप मैच होने वाला है रसलमेनिया की नाइट 2 में, जो कि WWE ने फिलहाल प्लेन करा है। एंड दोस्तों देखो, द रोक ने लास्ट टाइम जब अपीयर हुए थे रोक के अंदर, तब कोडी रूड्स को बोला था कि जब भी मैं वापस आऊंगा कोडी रूड्स, मैं तुम्हारे साथ मैच रसल करूंगा। एंड भाई रोमन रेंग्स को उनका रीमैच मिलना चाहिए, वो जरूर रिटर्न करके अपने रीमैच की डिमांड करेंगे। एंड दोस्तों इस तरह से WWE स्टोरी लाइन को बिल्डअप करने वाली है, द रोक रोमन एंड कोडी का ट्रिपल थ्रेट मैच WWE ने रसलमेनिया 41 के मेन इवेंट के लिए कन्फर्म यानी अभी प्लान करा है। तो आप इन दोनों मेन इवेंट मैचेस के बारे में क्या कहना चाहते हो कमेंट करके बताओ, वीडियो लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।